साधना में भी हमने इसको देखना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते ज्ञान पूर्वक भक्ति, ज्ञान पूर्वक विधि, ज्ञान पूर्वक सेवा। जबकि अज्ञानता से कर रहे हो उसका फल स्वरूप मिलेगा जरूर, लेकिन उतनी क्वालिटी से, इतने मार्क नहीं मिलेंगे, पास तो हो जाएंगे लेकिन ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ए प्लस, बी प्लस होते हैं, 60%, 80%, 90%। ऐसे जैसे अवस्था में भेद है वैसे परमार्थिक साधना में भी ऐसे अलग अलग मोड है, जिससे हम उतनी क्वालिटी मेंटेन करने का हमने प्रयास करना चाहिए। जब तक हम ऐसे मेंटेन करते हुए आगे नहीं बढ़े तो क्या होगा, वहीं के वहीं, कहां से है तो वहीं से आए, तो वहां है कि वहीं है, शुरू से जो था आज भी वही है, 10 साल हुए 20 साल हुए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। इसके कारण भी ये है कि हमने अपने को जाकर देखा नहीं, जब तक उसको नहीं समझते तब तक इस बात को नहीं समझते। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है आजी मदकिति इष्ट जोड़े ऐसे पुरुषे पहावे, आज मैंने क्या पाया क्या खोया हमने इसको जानना चाहिए। इसी को बोलते विधि भावातीत अनुष्ठान, इसी को बोला जाता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, उसको जानना, उसको समझना। जब तक उस बात को नहीं समझोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हर शास्त्र में, हर कार्य में इस सावधानी के साथ बरतना चाहिए कि मैंने कहीं इष्ट को छोड़ के अनिष्ट को तो नहीं संभाला, हीरा समझ के कुछ गलत कंकड़ तो नहीं साथ में लाया। ऐसे साधक को सावधानी रखनी चाहिए, तब वो उसको हासिल करके रहेगा। दूसरी बात, विधि भावातीत अनुष्ठान में हमने ज्ञान के साथ प्रेम से भी उस भाव को, उस विधि को, उस सेवा को, उस ज्ञान को, जो भी हम कर रहे हैं उस कार्य में यंत्रवत्ता नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर हम पूजा करते हैं, आमतौर पर हम पाठ पारायण भी कर देते हैं, लेकिन लगन के साथ, प्रेम के साथ उस विधि में, उस कार्य में, उस सेवा में नहीं लग पाते, जिसके कारण उसका आनंद नहीं आ रहा है, उसके फलस्वरूप काम भी नहीं हो रहे। जैसे कि आप पाठ तो कर रहे हो, लेकिन पाठ क्यों कर रहे हो, बस किसी ने बोला है आपको पाठ इसलिए कर रहे हो। समझो आपने पाठ किया और मैंने पूछ लिया कि क्या भाई क्या पाठ किया, मैंने दत्तात्रेय का लिखा, तेरा एक आधा दूसरा शब्द बोल के तो दिखाओ। नहीं, मुझे नहीं पाठ नहीं है, मैं पढ़ के पढ़ा था। ठीक है, पढ़ के पढ़ा तो सही था, लेकिन चार दो शब्द तो आपके मन में घुसने चाहिए कि नहीं। उस लीला के साथ जो उसने पाठ की रचना की है, तीनों बालक हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, आगे क्या, अपनी माया डालकर खेलन गए सर्वे। उस लीला के साथ जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, खाली शब्द से काम नहीं बनेगा। शब्द तो रटते गए, बोलते गए, लेकिन वो भाव अवस्था में, प्रेम अवस्था में जब हम जाएंगे तब उसका रिजल्ट अनायास मिलेगा। उसके लिए कोई बाकी और कोई जरूरत नहीं होगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उस अवस्था में जाना पड़ेगा। जब तक हम उस अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक उसका फल स्वरूप नहीं मिलेगा। एक विधि करते समय उसको नहीं जानोगे तब तक उसका आनंद भी नहीं आएगा।
सेवा कभी कभी करते हो, लेकिन सेवा करते समय उसमें कुछ भाव बदल जाते हैं। एक दिन का समय था, श्री नागदेवाचार्य जी और भक्तगण सब सामने बैठे हुए थे और स्वामी जी के श्रीमुख से कुछ धर्म की बातें हो रही थी, बड़ी गहन चर्चा थी। उतने में भाई साहब सामने आए और नागदेवाचार्य जी को बुलाया और कहा कि जरा पानी ला। क्या कहा उन्होंने? बाईसा ने श्री नागदेवाचार्य जी को कहा कि जरा स्वामी के लिए पानी चाहिए, पानी लाओ। बस आचार्य जी के मन में ऐसी भावना जग उठी कि देखो भाई, ये बाईसा को ना कुछ काम ही नहीं, पानी लाना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा धर्म प्रसंग वार्ता चल रही है, इसको ये अभी मौका मिल गया। लेकिन बोल नहीं पाते थे, भाई साहब बड़ी बुजुर्ग थी और उन्होंने बस मन में उसके प्रति कुछ अनशन बातें सोचने की माला शुरू कर दी। इसको ऐसा ही है, ये आम तौर पर मुझे ही काम बोलती है, इतने ढेर सारे भगत होने के बजाय भी मुझे ही उन्होंने बोला और वो ऐसी जगह पर बोल दिया उन्होंने कि स्वामी जी सन्मुख थे, नहीं तो मैं उसको बोल देता था। ऐसे सोचते सोचते वो पानी का घड़ा लेके लेके वो कहां तक गए? कुएं तक गए। मन में वही भावना थी कि ये सेवा तो है, लेकिन ये भाई साहब की कुछ बीच में सी काम बिगाड़ नहीं गया। आचार्य जी ने पानी का घड़ा भर किया, पानी जैसे कि घड़ा भर के हुए उन्होंने अपने सिर पर रखा और वापिस मुड़ गए। सोच बदल गई, जाते समय कुछ सोच अलग सी थी, आते समय सोचने लगी कि देखो मेरा मन भी कैसा संकल्प विकल्प कर रहा है, मेरा मन भी कैसा पापी है। ये पानी कोई भाई साहब के लिए तो है, शास्त्र सुने या सेवा करे, बात तो वही है। हमारा मकसद और हमारा उद्देश्य तो एक ही है ना, हमारा अधोगामी जीवात्मा का ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरूप होना, यही हमारा मकसद और उद्देश्य है, चाहे वो सेवा से हो चाहे वो ज्ञान सुनने से हो। एकमात्र तरीका है जीव का ऊर्ध्वगामी होना, ऊर्ध्व होना, अधोगामी जो जीवात्मा है उसको ऊर्ध्वगामी होना। बस मन में अपने आप को कोसने लगे और बोलने लगे कि भाई आपकी गलती है, ये पानी तो भाई साहब के लिए नहीं था, ये तो स्वामी जी के लिए था। और जब उन्होंने घड़ा नीचे रख दिया, स्वामी जी को नमस्कार करने के लिए आए, स्वामी जी ने कहा कि गेले ती ते नववती आले ती ते हो। स्वामी जी ने कहा जिस सोच के साथ आप जा रहे थे वो बात कुछ गलत थी, आते समय की जो सोच समझ है आपकी वो ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। जब सोच समझ में हमारी अधगामी और ऊर्ध्वगामी, इसमें जब तक काम चलता रहेगा तो अधोगामी से काम नहीं बनेगा, जब ऊर्ध्वगामी होगा तब ही हमारा काम बनेगा और वो ज्ञान के साथ और प्रेम के साथ ही होता है। जब तक प्रेम नहीं बनेगा तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान से प्रेम बढ़कर आगे है। जो भी इस बात को समझेगा वही उसकी महक भी जानेगा और उसका फलस्वरूप उसको मिलेगा। इसीलिए विधि भावातीत अनुष्ठान करते समय इस बात को समझना है जरूरी कि वो प्रेम के साथ ज्ञान के साथ वो विधि में हमने सम्मिलित होना है। कोई जरूरत नहीं कि हम खाली शब्द रटे, शब्द पाठांतर करें, शब्द को समझे, उस विधि को समझे, उस क्रिया को परखे जाने और उसके जानने परखने के बाद ही उसका 100 के 100% हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा।
क्योंकि वो अनार्जित दाता है, वो तो हमारा साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु अनार्जित दाता है, जो आपके भाग्य में नहीं वो भी देने वाला है। पात्या सुदाम भाई इधिने लीले की भी कमाता है, सुदामा के भाग्य में क्या लिखा था, भी कमाता। प्रभु ने लीले की न भी कमाता वे, खाली न जोड़ दिया। ये अनार्जित दाता कौन है, खाली ईश्वर ही है। हमारे कर्मों का जो अधिकार उसको तोड़ने का एकमात्र साधन है हमारी विधि भावातीत अनुष्ठान क्रिया, जिससे हम उसको तोड़ सकते हैं, उसको हम परे कर सकते हैं, लेकिन उस विधि को उस भाव को संतुलित रूप से देखना पड़ता है। क्योंकि आमतौर पर हमसे यही प्रक्रिया होती है कि कभी भाव आगे जाता है तो विधि पीछे रह जाती है, कभी विधि आगे जाती है तो भाव छूट जाता है। और ऐसी अवस्था में हमारे में जो बुद्धि भेद होते हैं, उस बुद्धि भेद को लेके हम भी अपनी श्रद्धा डावाडोल कर जाते हैं। एक समय की बात है, स्वामी जी का मुकाम पैठन में था, और पैठन में सारंग पंडित नाम के भगत थे, उनके वहां स्वामी जी की रोटी थी। स्वामी जी के लिए सबने वहां रोटी खाने के लिए जाना था। दोपहर का समय था, तो चलते समय स्वामी जी के श्री चरणों में रास्ते की धूल चढ़ गई। एक जगह मंदिर के साथ में सब भक्त जब नीचे बैठ गए, धूप बहुत कड़ी थी, जिसके कारण बैठने के लिए बैठे स्वामी जी, तो उनमें भक्तों में महादायसा नाम की माता थी, उसको ऐसा लगा कि बड़ी धूप है। स्वामी जी के श्री चरणों में कुछ पानी डाल के उनको स्वच्छ करें, जब से वो इधर उधर जागने लगी, कहां कुछ नजर नहीं आया। शिव का मंदिर था, उस मंदिर में आपने देखा होगा कि वहां एक ये लगती, क्या कहते हैं उसको, गलती गड़वी गड़वी होती है, उस गड़वी में उसने पानी लिया, उस गड़वी पीका और स्वामी जी के श्री चरण साफ किए, चरणामृत ले लिया। बात तो सीधी सादी थी, जब वो सब भगत भक्त के घर में गए, खान पान व्यवस्था पर हो गया, और वापिस हर भगत अपने अपने घर पहुंच गए। स्वामी जी अपने जहां डोरेश्वर मंदिर में ठहरे थे वहां चले गए, और महादाईसा वापिस जहां स्वामी जी के भक्तों का निवास स्थान था वहां गए। दोपहर का समय था, और जब महादाईसा ने अपने घर में प्रवेश किया तो बीच में अंदर दादोस नाम के भगत, उनके पहले गुरु ही थे वो बैठे थे। आते ही स्वामी महादाईसा को दादोस ने रोक लगा, आपने स्नान किया? उन्होंने बोला, स्नान की क्या जरूरत है, अभी तो हम स्वामी जी के दर्शन से आ रहे हैं, इसमें स्नान करने की क्या बात है। नहीं नहीं, आपने वहां का पानी पिया ना, वो पानी कहां, कौन जाने कहां का होता है, वो आपने पानी पीना गलत था,